जब हम न्यूमेरिकल नंबर 6 सॉल्व करते हैं, छठा न्यूमेरिकल हम हल करने लगे, नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट जानते हैं। स्टेटमेंट में क्या चीजें हमें गिवन है। स्टेटमेंट में दिया है, ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट टू इट्स मेन स्केल सच दैट फोर्थ डिवीजन ऑफ इट्स वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन, फाइंड इट्स जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन। यानी एक वर्नियर जो कैलिपर्स है उसका जबड़ा बंद करने पर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के दाएं जानब इस तरह है कि इसका चौथा दर्जा मेन स्केल के किसी एक दर्जे के सामने जाहिर होता है। तो वर्नियर स्केल्स का जीरो, वर्नियर कैलिपर्स का जीरो जीरो एरर और जीरो करेक्शन मालूम करनी हम लोगों ने। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो कौन सा जो दर्जा है, डिजिट है, वो सामने उसके मिल रहा है। तो ये हमें बताया कि फोर्थ जो है ना वो मिल रहा है साथ। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि कौन सा दर्जा इसके सामने कोइंसाइड कर रहा था वर्नियर स्केल का मेन स्केल के। तो यहां पे मैं लिखता हूं नंबर ऑफ डिविजन्स कोइंसाइडिंग, फोर्थ था तो ये फोर हो जाए, यानी ये फोर्थ चौथा दर्जा मिल रहा था, इसका नाम मैं एन रख देता हूं फॉर एग्जांपल। यानी नंबर ऑफ, नंबर था चौथा दर्जा, एक नंबर है तो मैंने उसका एक नाम रख दिया एन। अब हम लोग ये जानते हैं कि जो लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर्स का वो कितना होता है, इसको मैं एल सी से जाहिर कर देता हूं, ये 0.01 सेंटीमीटर होता है। और जो हम लोगों ने फाइंड करना है वो जीरो एरर फाइंड करना, हम लोगों ने जीरो एरर फाइंड करना है और जीरो करेक्शन फाइंड करनी है, ये दो चीजें हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो फार्मूला हम लोग क्या अप्लाई करेंगे यहां पर, फार्मूला लिखते हैं हम लोग यहां पे। फार्मूला ये होता है कि आप लोग जो नंबर ऑफ डिविजन्स कोइंसाइड कर रहे हैं उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका जीरो एरर निकल आएगा। मिसाल के तौर पर यहां पर मेरे पास चौथा दर्जा जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, तो इसको मैं लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो वो मेरा जीरो एरर बन जाएगा। मैं इसको लिखता हूं यहां, जीरो एरर इज इक्वल टू ये एन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। एन क्या है, ये वो नंबर है जो कोइंसाइड कर रही है, नंबर ऑफ डिविजन्स हैं जो कोइंसाइडिंग है। तो अब ये मेरे पास कैलकुलेशन आ जाएगी, अब हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जीरो करेक्शन सॉरी जीरो एरर जो है वो एन हमारे पास 4 है और मैंने मल्टीप्लाई करना लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो जो मेरे पास आंसर है वो 0.04 सेंटीमीटर है। ये मेरे पास निकला है जीरो एरर। और जीरो करेक्शन क्या होती है, जीरो करेक्शन ये होती है कि जो भी आपका जीरो एरर है आप उसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर दो, -1 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना आपने। अगर मेरे पास जीरो एरर प्लस 0.04 है तो जीरो करेक्शन -0.04 होगी। यानी जो भी आपके पास जीरो एरर निकलेगा उसका उसका नेगेटिव जीरो करेक्शन होगा, यानी कि मैंने इसको क्या करना है माइनस के साथ 0.04 सेंटीमीटर बना देना है, ये मेरा जीरो करेक्शन है। तो हम लोगों ने यहां पे इसको सॉल्व कर लिया, लिहाजा इसको एक दफा हम फिर से देखते हैं। सवाल में हमें दिया हुआ था कि एक जो वर्नियर कैलिपर्स है उसका नंबर ऑफ डिविजन जो है ना वो फोर्थ कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल का सर्कुलर स्केल के साथ, तो हमने इसको एन बना लिया। तो ये जो एन है हमारे पास एन, इसको 4 कर दिया तो लीस्ट काउंट कितना है हमारे पास, ये हमने जुबानी याद रखना है, लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। दो चीजें फाइंड करनी है, जीरो एरर जीरो करेक्शन। जीरो एरर का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू लीस्ट काउंट, एन क्या है जो दर्जे उसका मिल रहा था और हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी, 4 × 0.01 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04 सेंटीमीटर बन जाएगा। और हम लोग ये जानते हैं कि जीरो करेक्शन जो होती है वो नेगेटिव ऑफ जीरो एरर होती है, यानी जो भी आप जीरो एरर का जवाब निकलेगा उसको माइनस के साथ जरब दे देते हैं, तो मैंने इसको माइनस के साथ जरब दे दी तो ये मेरा जीरो करेक्शन भी निकल आएगा।